आप लोग पहले सुन लीजिएगा, पांच मिनट फिर हम लिखा देंगे। दूसरा है रक्त लोभ मोह। कहने का मतलब है बलवंत बहुत युद्ध, अगर कोई भी उसका विरोध करता था वो तुरंत उसकी हत्या करा देता है और तुरंत बदला ले लेता था। ऐसी एक घटना हुई थी कि बंगाल का एक गवर्नर था जिसका नाम था तुगरिल खान। जब उसने विरोध किया, ठीक है, तो उसको विरोध करने को रोकने के लिए उसने एक व्यक्ति अमीर खान को भेजा। जब अमीर खान उसको रोक नहीं पाया तो अमीर खान की हत्या करवा दिया। बाद में जब तुगरिल खान पकड़ा गया, उसकी हत्या करा दी गई, तो तुगरिल खान के जितने भी समर्थक थे उनको तख्ते खड़ा करके और कील से ठुकवा दिया गया था। पूरे बाजार में तखनौती जो बंगाल में है, बाजार में तख्ता खड़ा किया जाता है और उसके समर्थकों की हत्या करवा दी जाती है। बर्नी ने अपनी किताब में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। बर्नी एक राइटर थे जो तुगलक वंश के समकालीन थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के काल में उन्होंने अपनी किताब लिखी थी, ठीक है। तो यानी बहुत क्रुद्ध शासक था, क्या कहते हैं, कौन, बलवंत, ठीक है। बलवंत ने नई प्रथाओं का सृजन किया, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं, नौरोज, ठीक है, सिद्धा पैबोस, ये नई प्रथा का सृजन किया। इसने एक विभाग भी नया बनाया था, दीवान सैनिक विभाग, सैनिक विभाग दीवान। इसी ने सबसे पहले बलवंत ने ही उत्तर पश्चिम में किले बनाना शुरू किया। बलवंत ने सबसे पहले उत्तर पश्चिम में किला बनाने का इसका उद्देश्य था कि वहां पर मंगोल आक्रमण होने का खतरा हमेशा होता था। हमने आपको बताया भी था कि जो मंगोल आक्रमण होता था हुआ था, वो शुरुआत हो गई थी तो किसके काल में, ठीक है, चंगेज खान आया था लेकिन वो आ नहीं पाया था, लेकिन उसने प्रयास किया था, ठीक है। तो ये शुरुआत हो जाती थी। फिर रजिया सुल्तान के काल में भी एक छोटा सा आक्रमण हुआ था, तो उससे बचने के लिए बलवंत ने क्या किया, किला बनवा दिया, शुरू किया। ये किला का साज तो हमको प्राचीन काल से ही दिखाता है, ठीक है। हम जब सिंधु घाटी सभ्यता पा रहे थे तब भी हमने बताया था कि पूर्वी और पश्चिमी दो भाग थे, पश्चिमी भाग में किला बना, किला हमेशा राजा की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं, बलवंत ने क्या किया, पश्चिम में किला बनाना शुरू किया, ठीक है। बाद में बलवंत की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए, ठीक है, वो बहुत कमजोर हुए और एक के बाद एक को हटा गया और उसके बाद एक नया वंश आता है, खिलजी वंश, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। तो चलिए बलवंत के बारे में लिख लीजिए, ठीक है। तो हमने ये बताया आपको कि बलवंत के वंश के बाद, हमने यही ना कहा कि बलवंत के वंश के बाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी होता है, तो यानी उमर तो उनको बताना ही है,
इसको बाद लिखी दिया ठीक। चलिए कुछ चीजें हमने आपको दिखा दिया था, कुछ चीज नया लिख दीजिए। बलबन ने एक नया पद दीवान ए अर्जन, बलबन ने एक नया पद दीवान ए अर्ज की स्थापना की। दीवान ए अर्ज की स्थापना की, दीवान ए अर्ज की स्थापना की, ठीक है। देखिए बलबन के काल में दिल्ली के आसपास, दिल्ली के आसपास मेवातियों का विद्रोह हुआ, मेवातियों का ये मेवाती जनजाति टाइप में थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया दिल्ली के आसपास। बर्नी ने अपनी किताब में लिखा होता है, ठीक है। इसलिए मंगोल अलग से लिखिए इसको, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए, मंगोल आक्रमण से बचने के लिए बलबन ने उत्तर पश्चिम में सर्वप्रथम किले का निर्माण किया। सर्वप्रथम किले का निर्माण किया, ठीक है। लेकिन ये बलबन का सबसे बड़ा नासिरुद्दीन महमूद, बलबन का सबसे बड़ा पुत्र नासिरुद्दीन महमूद मंगोल आक्रमण के दौरान मारा जाता है। रावत ए अर्ज, ये उसका सेना मंत्री था, उसी को उसने रावत ए अर्ज की उपाधि दी। बलबन के कोतवाल का नाम फखरुद्दीन था, खान ने विद्रोह कर दिया।
बलवन के पुत्र शहजादा मोहम्मद ने अमीर खुसरो एवं अमीर हसन को संरक्षण प्रदान किया था। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन को संरक्षण प्रदान किया था। बलवन के महत्वपूर्ण कार्य थे। हमने भी आपको बताया कि बलवन का जो बड़ा लड़का था वो मंगोलों के आक्रमण से मारा गया, ठीक है। बलवन इतना क्रोध होने के बावजूद उसके बारे में जो कहा जाता है कि वो रात में कूट कूट कर रोता था। उसके बड़ा लड़का जब मर गया था तो बहुत दुखी था, लेकिन वो अपने दुख को सबके सामने नहीं आने देता था, ठीक है, बहुत दुखी रहता था। अंत में जब बलवन की मृत्यु होती है तो इतना क्रोध होने के बावजूद कहा जाता है लोग अपने कपड़े फाड़ देते हैं और कई दिन तक उपवास करते हैं, मतलब उसके मरने के बाद शोक मनाते हैं, ठीक है। तो बलवन इतना क्रोध होने के बावजूद बलवन की जो प्रजा थी उसको बहुत मानती थी। बलवन के बाद उसके एक उत्तराधिकारी था भुगरा खान, वो क्या कहते हैं भुगरा खां उसका लड़का था, लेकिन उसको उत्तराधिकारी बलवन ने नहीं बनाया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो दिल्ली में आए। उसको भी लगता था कि अगर हम दिल्ली आएंगे तो हमारे साथ कोई ना कोई घटना घट जाएगी। इसलिए बलवन के बाद भुगरा खां के एक लड़के जिसका नाम था कैकुबाद उसको गद्दी पर बैठाया गया। तो लिख लीजिए, बलवन के बाद कैकुबाद को कैकुबाद दिल्ली का शासक हुआ। कैकुबाद दिल्ली के निकट किलोखरी महल बनाया था। किलोखरी महल कैकुबाद, देखिए ठीक है, कैकुबाद भी विलासिता यानी शराब पीना और क्या कहते हैं शासन सही नहीं संभालना उसकी कुछ आदतों में आ गया था। तो इसलिए फखरुद्दीन जो कोतवाल था दिल्ली का उसका दामाद निजामुद्दीन था। निजामुद्दीन ने कैकुबाद को गलत रास्ते में ले जाकर उसको शासक के मार्ग से भटका दिया, ठीक है। और बाद में कैकुबाद को हटाकर कैकुबाद के जो लड़का है क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया। तो लिख लीजिए, तो क्यूमर्स को गद्दी पर बैठा दिया, ठीक है। लिख लीजिए, कैकुबाद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। देखिए जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करा दी। क्यूमर्स की हत्या करा दी क्यूमर्स की हत्या करा दी
लिख लीजिए, कैकुबात को लकवा हो गया था, एक खिलजी सरदार ने लकवा मार गया था या हो गया था कैकुबात, खिलजी सरदार ने यमुना नदी में फेंक दिया। ठीक है, देखिए इस प्रकार बलवन के वंश का अंत हो जाता है। ठीक है, पहले तो ट्यूमर्स की हत्या कर दी जाती है, कैकुबात को लकवा मार ही दिया जाता है, उसको चंदर में लपेट कर यमुना नदी में फेंक दिया जाता है, यानी कैकुबात भी खत्म और ये भी खत्म। इसके बाद एक नया वंश आता है, खिलजी वंश आता है। जी करता था कि हम ईश्वर के द्वारा हमको पद मिला है। ठीक है, यानी ईश्वर ने ही हमको बैठाया है, इसीलिए इसीलिए क्यों, क्योंकि जो मिर्जा है वो हमको स्वीकार करे। ठीक है, जो माने कि हाँ नहीं कुछ जय इंसान ने नहीं, एक ईश्वर ने ही, तो उसने एक नीति ऐसे ही चलाई थी, नियामत खुदाई। ठीक है, कई शासकों ने ये किया तो उनको ईश्वर ने बनाया, ईश्वर की सत्ता मानने के लिए कई, फिरोज शाह दुगला इसका सबसे बड़ा समर्थक था। ठीक है, सबसे बड़ा, उसने भी ये धर्म से आधार पे अपने को शासक घोषित किया था, किसी ने खुदाई किया था। नियामत एक बार लिख लीजिए, चलिए हम लिखवा दे रहे हैं, लिखिए बलबन ने नियामत एक खुदाई अर्थात ईश्वर के द्वारा उसे सत्ता प्राप्त है का प्रचलन करवाया, प्रचार करवाया था। जलालुद्दीन खिलजी इसकी क्या कहते हैं, खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करा दी और कैकुबात की, दोनों की हत्या करा के स्वयं गद्दी पर बैठा। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी बहुत शांत प्रिय शासक था। ठीक है, जब वो बलबन का महल जिसका नाम है लाल महल उसको कहा जाता है, उसके महल को देखता है तो वो रोने लगता है कि मतलब कि हम कैसे महल में मतलब रहेंगे। तो बहुत ही उदार व्यक्ति था, कई बार उसके खिलाफ विद्रोह भी हुआ, उसने विद्रोह करने वाले को छोड़ दिया, तो उसकी जो नीति थी उदारवादी नीति थी। लेकिन एक बार एक हाजी मोला, हाजी का शीदी मोला,
सीधी मौला नामक नौकरी ने विद्रोह किया तो उसकी वो हत्या करा देता है। कौन? जलालुद्दीन। ठीक, सीधी मौला की हत्या करा देता है। इसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी इसका भतीजा ही इसके साथ षड्यंत्र करता है, ठीक है, और बाद में इसकी हत्या करा के अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। अलाउद्दीन खिलजी भी बलबन की तरह बहुत क्रुद्ध शासक था, वो भी रक्त जैसे तलवार की नीति उसने की, ठीक है। हाँ, वो सोचता था कि विश्व विजेता है, इसीलिए उसने अपने सिक्के पर अपना नाम सिकंदर द्वितीय करवाया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में कई घटनाएं हुई, पहले तो उसने कई चीज का नया फैसला दिया, ठीक है। उसने देखिए दाद प्रथा, दाद प्रथा किसको आपकी घोड़े पे क्यों लागा जाता है? क्यों सर? इसलिए ताकि मतलब जिस तरह से नाव पर वो लोग जाते थे और घोड़ा बेच देते थे, तो इससे सर मतलब ये हारने का डर रहता था, तो इसलिए वो घोड़े पर मोहर लगाता था, तो इससे पता चल जाता था कि ये घोड़ा उसी का है, क्योंकि उसे हारने का डर नहीं रहता था। उसे मतलब बेच देते थे इस डर से? नहीं सर, ये अदला बदली हो जाए घोड़े पे मोहर को लगवा था, जिससे वो कहीं उनका घोड़ा जाके कोई मात्रा में बेच ना देते, जाने तक वो बिक जाते थे, तो फिर वो मोहर उस पर लगवा देते थे, उससे पता चल सकता कि ये मेरा घोड़ा है, इसलिए सर इसे ये दाग रखा था। उसका ये कारण ये था कि घोड़े का अदला बदली, क्योंकि घोड़ों का आयात अरब से होता था और अरब के घोड़े तेज दौड़ते थे और भारतीय जो घोड़े थे वो इतना तेज नहीं दौड़ते थे, क्योंकि जानवरों की शक्ल एक ही जैसी होती है, ठीक है। इसलिए अगर कोई भारतीय घोड़ा उसके सामने पेश कर देगा तो अलाउद्दीन किसी पहचान नहीं पाता था, तो उसको डर था कि भारतीय घोड़े और अरबी घोड़े में तो कोई पता ही नहीं चल पाएगा, इसलिए उसने दाग लिया कि हम पे जानकारी हो जाएगी कि अरबी घोड़े कौन है, भारतीय घोड़े हैं। अक्सर ये होता था लोग बदल देते थे, क्योंकि अरबी घोड़े बहुत महंगे मंगाए जाते थे उस समय, 105 से 110 टंका, ठीक है, चांदी का सिक्का देकर अरब से घोड़े मंगाए जाते थे, भारतीय घोड़े 40 से 50 टंके मिलते थे, तो अदला बदली करके बहुत लोग क्या करते हैं अपना लाभ कमा लेते हैं, इसलिए उसने दाग रखा और उसे एक नया चीज आवास कर, ठीक है, हाउस टैक्स, आवास कर, ठीक है, आवास कर इसलिए, ठीक है, चराई कर, चारा ला कर, ठीक है, उसने कर भी बढ़ा दिया, उसके बाद में कर बढ़ गया 1/2 हो गया, ठीक है। तो उसने नई नई चीज शुरू किया अलाउद्दीन खिलजी ने, उसके काल में कई आक्रमण, ठीक है, मंगोल के सर्वाधिक आक्रमण इसी के काल में हुए, अलाउद्दीन खिलजी के बहुत अधिक, ठीक है, कई लोग आए और आक्रमण हुए, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के काल में भी आक्रमण हुए थे, अलाउद्दीन खिलजी के काल में भी आक्रमण हुए। इसके ये पहला शासक था जिसके काल में भारत में शासक ने विंध्याचल पर्वत को पार किया, यानी दक्षिण में पहला आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के ही काल में हुआ, वो दक्षिण में गया जाता है और दक्षिण के चार राज्यों के शासक से युद्ध करता है, वो मतलब उसके एक सेनापति मलिक कपूर जाता है और चार राज्यों से लड़ता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जी, तो हमने तो ये नहीं कहा कि पहले मलिक कपूर था, तो आप हमने ये कहा क्या कि मलिक कपूर पहले मलिक कपूर, नहीं आपने कहा कि मलिक कपूर दक्षिण गया था, हमने कब कहा कि नुसरत खान दक्षिण गया था, वो बिल्कुल गलत है, नुसरत खान दक्षिण गया ही नहीं था, तो उत्तर भारत की बात ही हमने ली, नहीं हम आप जो कह रहे हैं नुसरत खान को गुजरात के विजय के दौरान खरीदा गया था, तो नुसरत खान है मलिक कपूर, ठीक है, हम तो उसकी महत्वपूर्ण विजय में एक दक्षिण भारत की विजय का उल्लेख कर रहे हैं कि दक्षिण भारत की विजय मलिक कपूर ने की, हमने ये कतई नहीं कहा कि नुसरत खान मलिक कपूर के बाद था या पहले था, ये हमने नहीं कहा, ठीक है। नुसरत खान भी उसके चार सेनापति मुख्य थे, नुसरत खान भी था मलिक कपूर था, लेकिन मलिक कपूर के कारण उसकी दक्षिण विजय हुई थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास है, ठीक है। नुसरत खान ने भी आक्रमण किया था उत्तर भारत यानी पश्चिम में, गुजरात में आक्रमण किया था, ठीक है, ये चीज। तो
चलिए लिख ले, अब लिखवा देते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक किलो घड़ी महल में कराया था। किलो घड़ी महल, अभी हमने बताया कि वो निर्माण उसने कराया था क्या कुमार में। लिख लीजिए जलालुद्दीन खिलजी के काल में मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। मलिक छज्जू ने विद्रोह किया था। मलिक छज्जू के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया था। मलिक छज्जू के बाद अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा मानिकपुर का सूबेदार बनाया गया। लिख लीजिए जलालुद्दीन खिलजी के काल में अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया। लिख लीजिए जलालुद्दीन खिलजी के काल में कुछ मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर इस्लाम धर्म स्वीकार किया। जलालुद्दीन खिलजी ने उनके लिए मुगलपुरा नामक स्थान का निर्माण किया। जलालुद्दीन खिलजी के काल में ईरान दिल्ली के आसपास में कुछ मंगोल हथियार किए। इसके काल में उन्होंने अपने को अधीन कर दिया, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, तो इसने मुगलपुरा नामक स्थान बसा दिया जहाँ पे ये मंगोल रहते हैं। दिल्ली में आज भी वो स्थान है मुगलपुरा, ठीक है। यहाँ मंगोल ये क्वेश्चन आता भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सूफी संत थे जिनका नाम था सीदी मौला, ठीक है। उन्होंने विरोध किया जलालुद्दीन खिलजी का। इस समय जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी उदारवादी नीति को छोड़कर उसको मरवा दिया था, ठीक है। लिख दीजिए जलालुद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी के काल में ईरान के सूफी संत सीदी मौला
जिसकी हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने करवा दी। अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर नामक स्थान के पास जलालुद्दीन का वध करा दिया। जलालुद्दीन का खिलजी का काल था 1290 से 1600 तक, अलाउद्दीन का खिलजी का काल है 1600 से 1600। अब गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी। लिख लीजिए अलाउद्दीन खिलजी का सलाहकार दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क था। लिख लीजिए अलाउद्दीन का सलाहकार दिल्ली का कोतवाल अलाउल मुल्क था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की। सिकंदर द्वितीय के खिलाफ सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। पहला आक्रमण दवा खान दवा खान के सेनापति कादिर खान ने किया था। दवा का दावा था, दवा खान के सेनापति कादिर खान ने किया। दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतृत्व में हुआ। सल्दी दूसरा आक्रमण सल्दी के नेतृत्व में हुआ। तीसरा आक्रमण कुतलुज ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ।
इस आक्रमण में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मारा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां मारा जाता है। मंगोल का चौथा आक्रमण तारगी के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के काल में अंतिम आक्रमण इकबाल मंद व ताइबू ने किया। इकबाल मंद व ताइबू ने किया जी ताइबू लिख रहे हैं ताइबू इसको बंद कर दीजिए। तो देखिए ये तो मंगोल आक्रमण के